हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ, हर शुभ कार्य में ताली बजाकर स्वागत किया जाता है वो भगवान को प्रसन्न किया जाता है। यह ताली की शुरुआत कब से हुई, आइए उसके पंडित से जानते हैं। ताली नाद ब्रह्म है। ताली की शुरुआत सनातन धर्म में अनेकों पुराण हैं, उसमें नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि भक्त प्रहलाद जब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रकार के प्रयास किए जाते थे और हिरण्यकश्यपु के द्वारा विरोध किया जाता था, और विरोध और प्रयास दोनों जब आपस में टकराते थे तो भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ता है। एक बार की बात है, भक्त प्रहलाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और इतने मग्न हो गए कि अपने दोनों हाथों को आपस में टकराने लगे। वह नाद उत्पन्न होने लगा जिससे अखिल ब्रह्मांड में ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। सब विस्मित हो गए कि ये किसकी भक्ति है जिससे कि भगवान श्री हरि का सिंहासन डोल उठा और भगवान उसके भजन के लिए आनंदित हो गए उसके भजन से, और भजन से आनंदित होकर के उसके भजन से प्रसन्न होकर के उसके समस्त कष्टों का निवारण करते थे। कभी पहाड़ों से गिराया जाता तो उसको हथेली में झेल लेते। यह सब ताली नाद और मंत्र नाद, इन दोनों की शक्ति का प्रभाव है। तभी से भजन में, कीर्तन में ताली सेवा का कार्य प्रारंभ हुआ। इसलिए हम सभी भक्तों को भगवान की आरती में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजनों में ताली नाद करना चाहिए। इसी ताली नाद के प्रभाव से भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्यकश्यपु का वध करके भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पिता तुल्य लाड़ किया और समस्त संकटों से निवारण करके उसको दिव्य सिंहासन पर विराजित कर दिया। यह ताली नाद का प्रभाव है। हम सभी को ताली नाद करना चाहिए। जय